इकोनॉमिक रेशियोज और आइडेंटिटीज को हम लोग कॉन्टिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट और फार्मूले आप पे हैं, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने याद किए हैं। हम लोग 5 पार्ट अभी तक अपलोड कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चंस जो आप देखेंगे तो देख के ही आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा और स्किप करने का मन करेगा, बट हम लोग देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा 1, कॉस अल्फा 2, कॉस अल्फा एन डॉट डॉट, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब कंडीशंस क्या दी गई हैं, सारे जो एंगल्स दिए गए हैं वो एंगल्स 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब एक्यूट हैं। 0 और पाई बाई 2 के बीच में होने का मतलब क्या है, सारे न्यून कोण हैं, एक्यूट हैं। और एक कंडीशन दी गई इंपॉर्टेंट कि कॉट अल्फा 1, कॉट अल्फा 2, कॉट अल्फा 3 और कॉट अल्फा एन की वैल्यू क्या है, 1, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ऑप्शंस आप देख लें एक बार, तो जो हमें गिवन है उसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जब भी आप कोसाइन है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, रेशियो में कॉस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1, कॉस अल्फा 2 अपॉन साइन अल्फा 2, तो ये इम्प्लाइज करेगा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 और कॉस अल्फा एन बराबर साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 और ऐसे साइन अल्फा एन। ठीक है, इस वाले रिजल्ट से हमने यहाँ पर इस रिजल्ट को देख लिया कि मतलब कोसाइन का सारे एंगल्स का कोसाइन और सारे एंगल का साइन बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम कॉस अल्फा 1 और कॉस अल्फा 2 और कॉस अल्फा एन को इसका हम लोग स्क्वायर कर दें, इसका मतलब है यही चीज़ कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 और कॉस अल्फा एन और इसी का दोबारा फिर से मल्टीप्लाई किया गया। किसी चीज़ को स्क्वायर करते हैं इसका मतलब उसी का अगेन उसी से स्क्वायर, उसी का अगेन उसी से स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ दोबारा फिर से रखने वाले और इसके बराबर ये है, तो क्या इसके बराबर यहाँ ये रख सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये बात समझे कि नहीं, रखने हम ये वाले थे और इसकी वैल्यू ये है तो हम यहाँ पे रख दें कि नहीं, आप समझ गए होंगे अल्फा एम। अब हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई हो और उसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें तो 1/2 साइन 2 थीटा हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि कॉस अल्फा 1 और साइन अल्फा 1 को हम साथ में मल्टीप्लाई करने वाले हैं और 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं। तो अगर ऐसे करें तो 1/2 बनेगा और यहाँ पर साइन 2 अल्फा 1 बन जाएगा। बोलिए, 1/2 यहाँ कर दिया, 2 इसके साथ मिल, ऐसे ही इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कॉस अल्फा 2 और साइन अल्फा 2 बढ़ के क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा 2, तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ साइन अल्फा 2 अल्फा 3 बन जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2^3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही हम कर करके कितने यहाँ जाके साइन 2 अल्फा एन जाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, 2^ कितना कर दें, एन बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए कितना हो गया, सभी एंगल्स के साथ 1/2 आया, तो एक अल्फा 1 एंगल के साथ 1/2 आया, तो एन एंगल के साथ 1/2 n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दें कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू भी 1 से छोटी होती है, तो यहां पर देखें तो कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 और कॉस अल्फा n का स्क्वायर की वैल्यू छोटी होगी 1/2 n से, क्योंकि ये सब 1 से छोटे हो जाएंगे और जैसे ही ये लेंगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, रूट चढ़ने का मत समझे कि नहीं, यानी पावर पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था देखा जाए तो। स्किप आप अगर कर देते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं तो आप एक गलत तरीके की साइकोलॉजी बना लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने तय कर दिया कि ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। समेशन आर 0 से लेके एन साइन स्क्वायर आर पाई बाई एन, इसके ऑप्शंस यहाँ पर है, हम लोग करने वाले क्या हैं वो देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है।
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली चीज़ को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, देखो हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर यहाँ पर फोकस करें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पर भी 1 बाई 2 बाहर ले लिया जैसे यहाँ पर आया, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो थीटा हमारा आर पाई बाई एन था, तो उसका 2 टाइम्स हो गया कि नहीं, समय से लगाए, तो मतलब इसको हमने यहाँ पर इस फार्मूले से, इस आइडेंटिटी से यहाँ रिप्लेस कर दिया इतना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 1 बाई 2 को समेशन से बाहर ले आए, इस 1 बाई 2 को यहाँ बाहर ले आए, ये 1 यहाँ पर है, इसको यहाँ रखा। अब देखो समेशन 0 से लेके n तक जा रहा है, तो समेशन का काउंटर n प्लस 1 टाइम्स हो रहा है, जितने बार समेशन चलेगा उतने बार 1 जुड़ेगा, तो 1 n प्लस 1 बार जुड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी n प्लस 1 माइनस, यहाँ समेशन ओपन कर रहे हैं, तो r की वैल्यू देखो 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, फिर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पर 2 पाई बाई एन हो जाएगा, फिर 2 रखने पर 4 पाई बाई एन हो जाएगा, और r की वैल्यू लास्ट में क्या n रखेंगे तो 2 n पाई बाई एन। अभी हमने इसको n से n काटा नहीं है, इसका रीजन क्या है, यहाँ देख ले फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है cos अल्फा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर cos अल्फा प्लस 3 बीटा, और ऐसे जाके cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, इसको हम लोग लिखते हैं cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2, इसी फार्मूले को हम लोग वहाँ मैच कराएंगे। देखो तो इतनी चीज़ तो हमारी फार्मूले से बाहर थी, ये भी फार्मूले से बाहर है, हमने इसको पहले को cos अल्फा मान लिया, इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा, इसको क्या मान रहे हैं इस टर्म को अल्फा, जैसे यहाँ पे अल्फा लिखा, अब जो भी अल्फा में जुड़ेगा वो बीटा हो जाएगा, तो यहाँ 4 पाई बाई एन है तो 2 पाई बाई एन और 2 पाई बाई एन, तो 2 पाई बाई एन और 2 पाई बाई एन क्या बन जाएगा 4 पाई बाई एन, तो 4 पाई बाई एन बनेगा, तो ये अल्फा ये बीटा, इससे ऐसे ही लास्ट में जाएंगे, तो अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा है, तो अल्फा 2 पाई बाई एन है, लास्ट वाला टर्म हमारा 2 एन पाई बाई एन है, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे कैसे करेंगे देखें, तो हमें अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 बीटा में ले जाना है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 एन पाई बाई एन को, सबसे पहले अल्फा, अल्फा हमारा 2 पाई बाई एन है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे 2 एन पाई बाई एन से 2 पाई बाई एन घटाएं तो वही बचेगा हमारा, तो अब इसको अल्फा हमने निकाल दिया ना इससे, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा हमें 2 पाई बाई एन कॉमन हुआ, तो 2 पाई बाई एन 2 पाई बाई एन कॉमन हो गया, एन माइनस 1 बचा कि नहीं, तो प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 2 पाई बाई एन हो गया, तो अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर लास्ट टर्म देखो क्या लिखा हमने, इसी को जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यही बन जाएगा, और हमने इसको लास्ट टर्म की तरह एक्सप्रेस किया अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, अब जो भी आएगा उसको फॉर्मूले पर हम लोग सेट करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने अपने इसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेस किया भी बताया था, एन प्लस 1 बाई 2 को हमने बाहर ले लिया, 1 बाई 2 यहाँ बाहर, 1 प्लस कॉस, अब कॉस इसको क्या माना हमने अल्फा, और इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लास्ट में हमने ये अल्फा है और ये हमारा क्या है, तो पूरा फार्मूला हमारा इस पर एक्सप्रेस हुआ, हाँ। तो अब इस पर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, तो ये वाली एक्स्ट्रा वैल्यू है, एन प्लस 1 बाई 2 यहाँ ले लेंगे, माइनस 1 बाई 2 और 1 अलग है, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, कॉस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 2 पाई बाई एन प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पर भी एन माइनस 1 है, ठीक है, एन माइनस 1, और बीटा बाई 2, तो बीटा क्या है 2 एन बाई एन और बाई 2 करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, अब साइन एन बीटा बाई 2, 2 पाई बाई एन बाई 2 क्या करेंगे 2 पाई एन बाई 2 कर देंगे, नहीं तो साइन एन बीटा बाई 2 आ गया कि नहीं, और अपॉन क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब फार्मूला हमारा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इतने में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ही हम लोग करेंगे इतनी चीज़ों पे, अपॉन क्या करेंगे साइन बीटा बाई 2, तो 2 पाई बाई एन बाई हाँ बाई 2 कर देंगे, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये कट गया, तो कॉस
टू पाई बाई एन प्लस एन माइनस वन पाई बाई एन आ गया, ठीक है, और यहाँ पर टू एन से टू एन कट गया तो साइन पाई आ गया। अब साइन पाई क्या होता है बोले भाई? साइन पाई होता है सिंपल सा ज़ीरो, और ज़ीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये सब कुछ क्या बन गया, इतना ज़ीरो बन गया हमारा कि नहीं, ज़ीरो बन गया। तो यहाँ पर आया एन प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पर टू एलसीएम लिया, एन प्लस वन माइनस वन तो कट गया, आंसर आया एन बाई टू। एन बाई टू आंसर था, ऑप्शन में था कि नहीं? तो जो भी ऑप्शन आया एन बाई टू आया। ये साइन पाई बना क्या? तो ज़ीरो, ज़ीरो से सबका मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो यही टर्म यहाँ बचा कि नहीं, आंसर आ गया ना। थोड़ा सा मैंने बोला कि लेंदी है क्वेश्चंस, मगर अगर आप कौन से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे जो भी हमने बोला कि जिस तरीके से क्वेरीज होंगी उस तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को हम लोग बढ़ाएंगे, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है या कुछ भी आपको समझने में दिक्कत है या क्वेश्चंस के किस तरीके से आप चाहते हैं, वो सारी जो डिमांड है आप वहाँ रखिए, मावला क्लासेस के कमेंट बॉक्स पे आप लिखें। मैंने बोला जो बच्चे रियल में वाकई में पढ़ रहे हैं हम लोग उन्हीं के लिए वीडियोस और ये सेशन ले रहे हैं, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल फ्रैंकली वहाँ पे लिखें, मतलब कन्वर्सेशन होना चाहिए। अगर आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे और क्या डिमांड है आपकी आप चाहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद आप मत रखिए फिर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग आपको दे रहे हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे कम्युनिकेशन में आए कि कौन रियल में कर रहा है। तो इस बार के सेशन को आप देख के, अगर आप पूरा सेशन देखते हैं तो लास्ट में आप जाते हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर अपने कमेंट्स को लिखें कि क्या आपको फीडबैक लगा और क्या सही लगा। आप बढ़ाई मत लिखिए, जो आपको डिमांड है आप जो चाहते हैं उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो वाकई में डिमांड, जिनको कुछ चाहिए और मैं कुछ उसको दे पाऊँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे बारे में कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, वो मुझे पता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी ना फिक्र है ना ही कुछ। जो स्टैंड मावला क्लासेस ने किया है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके फीडबैक हमें पता है, मगर हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो बार बार बहुत सारे दूर के बच्चे होते बोलते हैं कि कुछ ऐसा करिए, तो उसी के लिए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे यहाँ पर, ठीक है।